हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन कैस्टल क्रैश। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ स्टार्स गेमिंग वीडियो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं फोनिक्स को लेवल 3 to 4 में करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप लोग ने टाइटल और थंबनेल में भी देख लिया होगा, तो गाइज तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चेस्ट ऐसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद जो है फोनिक्स को हम लेवल 3 to 4 में करके दिखाएंगे। एंड गाइज, मेरा अभी कोई भी लेगेंडरी लेवल 3 का नहीं है, क्योंकि हम बीच बीच में खेलना छोड़ दिए थे। देन फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे विक्टोरी चेस्ट को ओपन कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या मिलता है। विक्टोरी चेस्ट को यहाँ ओपन किए तो इसमें भी 3 कार्ड मिला, जिसमें ड्वार्फ हमको पहला कॉमन मिला है, एंड दूसरा में इंचेंटर, जो कि हम अभी इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत दिन से यूज किया ही नहीं इंचेंटर कार्ड का। एंड स्कूल किंग मिला। एंड गाइज, आपको एक चीज़ शौक लगा होगा गाइज, मेरा पूरा जेम्स इसमें, मेरा कम से कम 600 जेम्स था, सब खत्म हो गया। गाइज, यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से हम जो है पता नहीं क्या हो गया था, गलती इतना बड़ा गलती हो गया कि हम सब जेम्स कैप्सूल में ख़त्म कर दिए, और पता चला जेम्स कैप्सूल फुल ही नहीं हुआ। तो गाइज, ऐसा गलती मत करना यार, मेरा पूरा का पूरा जेम्स ख़त्म हो चुका है। तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें फ्रेंड्स, अब ख़त्म हो गया, तब उसे ला नहीं सकते जल्दी, क्योंकि लाना होगा तब तो मनी कुछ वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आएगा। तो गाइज, वैसे भी स्टोर में बहुत सारा मतलब मनी का प्राइस है, तो अभी हम नहीं ले सकते हैं। एंड गाइज, तुम लोग यार इन्जॉय करो। एंड यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये देखो मेरा, इसको हम कंप्लीट कर लिए थे कलेक्ट करके, तो यहाँ पे लेगेंडी जो है मेरा ये फोनिक्स हो गया, जो कि लेवल 2 में, अभी ये लेवल 3 में हो जाएगा। तो इसका भी 95 अटैक, इसमें +9 अटैक इसका हो जाएगा, हेल्थ में भी हो जाएगा इंक्रीज। तो यहाँ पे गाइज आओ एंड 20,000 कॉइन इस पर वेस्ट करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो फोनिक्स लेवल 3 का हो गया, इसका अटैक 104, हेल्थ 208, और बोनस अटैक पर डैमेज +6 बढ़ा, एंड +26 बोनस हेल्थ भी पर्थ रेविट, मतलब जितना बढ़ ये इसका जो एक होता है, एक से ये जब जब फूटेगा तो इसका जो है और मतलब हाई इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली 104 अटैक हो चुका है फोनिक्स, तो कम से कम ये लेवल 11 का जो ये आर्चर्स है ये इसको मार सकता है। लेवल 3 का फोनिक्स बढ़ से लेवल 11 का आर्चर्स चलेगा तो मार सकता है, लेवल 10 चलता था। और गाइज, यहाँ पे गोल्ड को अगर आपका लेवल 2 में फोनिक्स होगा तो आपको 10 मतलब मैजिक क्रिस्टल्स लेगा, लेगेंडी वाला क्रिस्टल्स। लेकिन अब फ्रेंड्स, हम मेरा लेवल 3 तो एक और बढ़ा दे, तो हमको 11 के, तब यहाँ लेवल 4 में हो गया फोनिक्स, लेवल 4 हुआ तो हमको 11 क्रिस्टल्स, 11 लेगेंडी क्रिस्टल्स का इसमें यूज करना पड़ा, तो जिसमें मेरा अटैक इसमें +11 हो गया। सोचो लेवल 4 जब होगा तो +11 +21 इतना मतलब हो जाएगा बोनस, तो यहाँ पे लेवल 4 में मेरा इतना बोनस हुआ। तो गाइज, अगर मेरा लेवल 5 होगा तभी हम मैजिक क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज, हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी मैजिक क्रिस्टल्स का यूज़ करने का, फैन डांसर को हम लेवल 13 जल्दी लाने का सोच रहे हैं, बट फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा बिजी हो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा क्वेंस कलेक्ट करके लेवल 13 हम फैन डांसर को ला के। तो गाइज, यहाँ से मैं आपको कुछ मैच दिखा रहा हूँ, तो गाइज ये सब मैच जो है मतलब फोनिक्स से रिलेटेड मैच है, जो कि एंड इसमें नेकड़ो का तो हम यूज कर ही रहे, तो गाइज फोनिक्स मैन इसमें फोनिक्स का यूज अच्छा कर लेते हैं। तो गाइज, वो सभी मैं आपको मैच दिखा रहा हूँ। और गाइज, एक बात मैं आपको बताता हूँ यार, जो लोग बोलते हैं हमको क्लैन ज्वाइन करना है, तो गाइज कम से कम यार हम पहले भी क्लेन जो है मतलब 2200 ट्रॉफीज करके रखे थे, तो जिसको आना था वो आ सकता था। लेकिन गाइज, अब हम लोग कुछ रूल चेंज कर दिए हैं यार, अगर आपको क्लेन में आना, हमारे क्लेन मून नाइट्स में अगर फ्रेंड्स आप लोग को पार्टिसिपेट करना है, तो गाइज कम से कम आपको 4K ट्रॉफीज यार करनी होगी, और सिंपली आप कर लोगे यार, हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। और कोई कोई बोलते हैं भाई हमको डेक बता दो यार, डेक बताओ मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो गाइज मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, अगर आपको ट्रॉफीज इंक्रीज करना है तो आप मतलब रश डेक और रैपर्स डेक टाइप का आप यूज करो, जिस जो कि आप आसानी से आप पहुंच सकते हो, बहुत ही सिंपली आप जो है मतलब 4K की आप 5K ट्रॉफीज, हम कितना को देखें जिसका लेवल 8 है वो तक अभी मतलब चैंपियन फर्स्ट में पहुंच चुका है, या ट्रिक यूज करो। हम मेरा बहुत सारा पहले भी वीडियो बना चुका है, जो कि रेपर डेक से हम रिलेटेड भी वीडियो बनाए, और होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, रेपर डेक का जो हम वीडियो बनाए, उसमें फाइनली आपको विदाउट लेकिन सिर्फ 2 लेगेंडी कम से कम कंपलसरी फ्रेंड्स आपको रखना है, एक स्टॉर्म एलिमेंटर और एक होलो नाइट, कम से कम ये 2 लेगेंडी फ्रेंड्स सभी को रहना चाहिए। तो सिंपली गाइज आपको सब डेक का यूज करना है, एंड बाद में और जितना टाइम मिलेगा तो और भी आप लेगेंडी कलेक्ट कर लेना। तो गाइज मैं यही सब बात आपको मैं बता रहा था, और भी बहुत सारा डेक है, तो मैं बहुत सारा विदाउट लेगेंडी का डेक बना चुका हूँ बढ़िया बढ़िया। गाइज आप लोग वीडियो देखते भी नहीं हो, मतलब पहले का वीडियो आप लोग उतना देखे नहीं हो, जिसमें कि लेगेंडी मतलब बहुत सारा वीडियो है, लेकिन उसके अंदर अंदर में हम बहुत सारा डेक बना चुके हैं। तो गाइज हम जब पहले का, हमको भी ध्यान नहीं था, लेकिन जब हम पहले का देखे तो उसमें देखें बहुत सारा विदाउट लेगेंडी का हम बढ़िया से बढ़िया डेक बना चुके हैं। लेकिन गाइज आप लोग देखो मेरे पहले का वीडियो, उसमें आपको बहुत सारा डेक मिल जाएगा। और गाइज वैसे तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ और सभी मैं आपको न्यू डेक बताने का। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है
ये हो रहा है मेरा, ये शायद ओटी डेक यूज कर रहा है, इसमें फायर एलिमेंटल एंड मेटियर्स का ये यूज कर रहा है फ्रेयाग, एंड इसका क्लैन का नाम है 46 एंड 2। तो कह ये लेवल 12 का है, लेवल 11 का मैं हूँ, तो मेरे ख्याल से इसका कार्ड बहुत सारा बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगा, हमसे तो ज़्यादा अपग्रेड होगा इसका कार्ड। तो गैज ये देखो यहाँ से आधा ज़्यादा आधा डैमेज कर दिया कम से कम होलो नाइट को। तो होलो नाइट, वैसे तो होलो नाइट मेरा बच गया, तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड बेयर्स का यूज़ किए सही टाइम से, एंड आइस एलिमेंटल का यूज़ लास्ट लेन में किए। एंड गैज देखो इसका मतलब एरो हर चीज़ बहुत ज़्यादा अपग्रेड है, तो अभी मेटियर्स और फायर एलिमेंटल ये सभी तो अभी टॉप में चल रहा है, क्योंकि ये सभी का डेक जो कि हम अभी यूज कर रहे हैं, अभी 2-3 डेक ज़्यादा हमको देखने के लिए मिल रहा है, एक कैनॉन डेक एंड नेक्रोमेंसर डेक, एंड बोले तो स्टैंडर्ड बेयर्स रश डेक। स्टैंडर्ड बेयर्स तो सिंपली ये तो हमेशा देखने के लिए मिलता है, बट अभी नेक्रोमेंसर का डेक हमको अभी मिल रहा है ज़्यादा देखने के लिए, एंड नेक्रोमेंसर एंड कैनॉन डेक, ये दो डेक अभी बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर में भी पॉपुलरिटी में ये दो डेक अभी बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो गाइज मैं तो पहले से ही नेक्रोमेंसर का बहुत ही यूज़ कर रहा, बहुत पहले से जब नेक्रोमेंसर रिलीज किया था मैं तभी से ये वाला डेक का यूज कर रहा था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग मैं ट्रॉफीज बहुत सारा ये ड्रैगन का, इसका ड्रैगन लेवल 4 में, गाइज आप लोग देखो ड्रैगन लेवल 4 में है, एंड वो तो देखो हम नेक्रोमेंसर प्लस SB यूज़ कर रहे थे। आप ओ यार इसने फिर से ड्रैगन का यूज़ कर लिया लास्ट लेन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ड्रैगन का यूज़ किया, तो हम यहाँ पे जो है रिसोरेक्शन का भी यूज़ कर रहे हैं कि अगर वो डेथ करता है तो हम रिसोरेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। गाइज आप अगर नेक्रो डेक यूज़ करते हो तो उसमें आप अगर बचना चाहो तो आप रिसोरेक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, और प्रोटेक्शन दो चीज़ कंपलसरी आपको, अगर आप नेक्रो का यूज़ करते हो वो भी SB के साथ, तो कम से कम फ्रेंड्स आपको मतलब बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन का यूज एंड प्रोटेक्शन एंड रिसोडक्शन, ये दो चीज़ तो कंपलसरी आपको यूज़ करना होगा। तो गाइज यहाँ से ये लास्ट मैच है, ये मैं आपको लास्ट मैच दिखा रहा हूँ, जिससे मेरा 6K ट्रॉफीज तो ऑलरेडी पुर चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको फोनिक्स जो लेवल किया तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा था। तो गाइज अगर कोई भी हमसे सवाल हो या मतलब जो आपकी समझ में नहीं आया तो गाइज आप कमेंट करना, मैं कमेंट में तो सबको रिप्लाई देता हूँ। एंड गाइज जो लोग मेरा इंस्टाग्राम और भी बहुत सारा हम लिंक दे चुके हैं, अगर आपको फॉलो करना था फॉलो कर सकते हो, और बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं कि मैं आपका चेहरा भी देखना चाहता हूँ, तो मेरा अगर फेस भी नहीं देखो तो गाइज मेरा फेस भी इंस्टाग्राम में आपको दिख जाएगा एंड फेसबुक में भी आपको दिख जाएगा, एंड वैसे तो बहुत सारे फ्रेंड मेरे हमको देखे भी हैं एंड चिंते भी हैं। तो गाइज अगर आप लोग नहीं देखे तो यार हमको फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम में, और कोई भी सवाल हो इंस्टाग्राम में भी आप पूछ सकते हो मैसेज करके, एंड मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसमें भी हमको आप पूछ सकते हो कोई भी टाइप का अगर क्वेश्चन हो कैस्टल क्रेस या एनी गेम्स रिलेटेड जो मैं खेलता हूँ या जो मैं जानता हूँ जो मेरे हमसे हो सके, तो गाइज आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू ऑलवेज बी हैप्पी इस वीडियो को देखने के लिए। गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल्स को, एंड ऑल द बेस्ट गाइज।